एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा आरोप, भरतपुर हत्याकांड केस को लेकर के सवाल उठाए ओवैसी ने। हत्या के आरोपियों को बीजेपी का सपोर्ट है ये कहते नजर आए, आरोपियों से डरती है पुलिस। असदुद्दीन ओवैसी ने आपको बता दें कि लगातार शुरू दिन से ही इस घटनाक्रम के बाद से ये आरोप बीजेपी पर लगाते नजर आए हैं कि बीजेपी हत्यारों को संरक्षण दे रही है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा आरोप, भरतपुर हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, जहां ओवैसी की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। आपको बता दें कि भरतपुर हत्या केस को लेकर के सवाल उठाए ओवैसी ने। हत्या के आरोपियों को बीजेपी का सपोर्ट है यानी कि संरक्षण बता रहे हैं। ये वो गाड़ी इस वक्त आप देख रहे हैं जिसमें दो नरकंकाल मिले थे, और भरतपुर हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त ये जानकारी, ये अपडेट इस वक्त कि इसका राजनीतिकरण भी होना शुरू हो चुका है। एक तरफ जांच जारी है, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी जब से इस घटनाक्रम की जानकारी उन्हें लगी, जब ये घटना सामने आई, सीधे तौर पे बीजेपी पर ये सवाल खड़े करते नजर आए कि जो हत्यारे हैं, जो आरोपी हैं, उनको बीजेपी का संरक्षण मिला हुआ है, आरोपियों से डरती है पुलिस भी, ये कहते हैं ओवैसी। जिन लड़कों का, छह लड़कों का या पांच लड़कों का नाम एफआईआर में आया है जुनेद और नासिर के किडनैप और उनके मर्डर में, उसमें से जो एक एलिज्ड एक्यूज्ड है, उसके आप फेसबुक पर जाकर देखिए कि उसके तस्वीर किस किस के साथ हैं। दो साल पुरानी एक तस्वीर है जिसमें वो गृह मंत्री जनाब अमित शाह के साथ खड़ा हुआ है, उनको उनकी सालगिरह की मुबारकबाद दे रहा है। और ये बात सबको मालूम कि हरियाणा की बीजेपी की सरकार इस ग्रुप को पूरा प्रोटेक्शन देती है, पुलिस इनसे डरती है इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। थोड़े ही दिन पहले मोइन नामी एक लड़के पर, 12th क्लास के लड़के पर, उसका वीडियो इसने शेयर किया अपने यूट्यूब पर, इसको सिल्वर बटन मिला, ये पैसे कमाता है वायलेंस दिखाकर, फायरिंग किया, मोइन इंजर्ड हुआ और उस पर केस रजिस्टर और अटेम्प्ट टू मर्डर का। उससे थोड़े दिन पहले वारिस नाम का एक लड़का था जो इसने उसका सर पकड़ा हुआ था, उसके मुंह से खून निकल रहा था, बाद में वारिस की मौत हो गई और पुलिस ने कह दिया कि एक्सीडेंट से मौत हुई। वारिस के परिवार के लोगों ने कहा कि उसको मारा पीटा गया, उसकी वजह से मौत हुई, तो उसने इस फेसबुक से अपनी वीडियो को डिलीट कर दिया। ये पूरा एक ग्रुप है जो सो कॉल्ड गौरक्षक के नाम पर लोगों को डराता है, एक्सटॉर्शन करता है, और इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि 150 किलोमीटर दूर आकर ये जुनेद और नासिर को किडनैप करते हैं। बल्कि नासिर के एक भाई इस्माइल ने जो कंप्लेन दिया, उसने कहा कि इन्होंने इतना मारा इन दोनों को, पुलिस के हवाले किया, तो पुलिस ने कहा हम नहीं लेंगे इनको क्योंकि मर जाएंगे। तो बाद में इनकी जली हुई लाश और जली हुई गाड़ी मिली, तो ये पूरा इनको प्रोटेक्शन मिल रहा है। जब तक हरियाणा की बीजेपी की सरकार ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देते रहेगी, ये इस तरह का जुल्म ज्यादती करते रहेंगे लोग। चलिए भरतपुर से इस वक्त हमारे सहयोगी शोएब रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, अभी हमने असदुद्दीन ओवैसी को सुना, एक एक चीज कड़ी घटनाक्रम की ये जोड़ती नजर किस तरीके से जुड़ती चली गई बताते हुए नजर आए ओवैसी। प्रशासन की तरफ से जो कार्यवाही की गई है उसको वो गलत दिशा करार दे रहे, कह रहे सो कॉल्ड गौ रक्षकों की ये करतूत है, बीजेपी का सपोर्ट इन हत्या के आरोपियों को मिला हुआ है और प्रशासन डरती है पुलिस से, सच्चाई क्या है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी आज यहाँ पर आने भी वाले हैं क्योंकि तकरीबन एक महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एमआईएम की रखी गई थी जयपुर में। उस वक्त ये ऐलान किया गया था कि जो भरतपुर का पहाड़ी इलाका है जहाँ पर ये घाट मीका, जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, नासिर के जिनके मौत भी हुई इस पूरे हत्याकांड में, और नासिर के परिवार वाले आप को नज़र भी आ रहे होंगे, तो यहाँ से तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर है वो पहाड़ी इलाका जहाँ पर उनकी आज सभा होनी है। तो इत्तफाक से ये घटना भी इसी वक्त हो गई। अब असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आने वाले हैं ये खबर है। हालांकि ये भी हमें जानकारी मिली है कि प्रशासन गांव में अंदर आने की इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन ये कोशिश की जाएगी ओवैसी की तरफ से कि परिवार के लोग, क्योंकि चाहे नासिर हो या कुछ ही दूरी पर जुनैद का घर भी है इसी गाँव में, दोनों परिवार के लोगों से मुलाकात करें और उसके बाद वो सभा में जाए, अपनी सभा को संबोधित करें। जानकारी ये भी मिल रही है कि जमीयत का जो प्रतिनिधि मंडल है वो भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है परिवार वालों से, पीड़ित के जो परिवार वाले हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। परिवार क्या कहता नजर आ रहा है? बिल्कुल, जमीयत उलमाए हिंद का जो महमूद मदनी ग्रुप है उसका एक डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा था सुबह के वक्त, और उन्होंने परिवार के लोगों से मुलाकात की।
उन कई तरह की जो मुतालबात है, जो मांगे हैं, वो उनकी तरफ से रखी गई। एक मांग ये भी है कि फिरोजपुर झिरका थाने को सस्पेंड किया जाए, ये जमीयत की तरफ से कहा गया। और सीबीआई जांच की मांग जिस तरह से परिवार की तरफ से कही जा रही है वो भी की गई। परिवार के जो सदस्य है, क्योंकि कुछ लोग जयपुर गए हुए हैं सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करने, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर है, ये बताएं कि अभी किस तरह की मांगे, क्योंकि एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, कुछ बातचीत हो पाई जो जयपुर गए हैं, मुलाकात हो चुकी है? सर, अभी उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई, ना किसी को संपर्क हो रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि जिस तरीके से कल हमने बॉडियों को दफना दिया, उसके बाद में हमें इसी तरीके से घूमना पड़ेगा। आपको ये लग रहा है कि आपने जो तदफीन है वो कर दी, मुर्दों को दफना दिया, इसलिए आपको अब दिक्कत आ रही है? सर, दिक्कत इसीलिए आ रही है कि मुर्दों को जो दफनाया गया है, मैं उसके मुखालिफ था, क्योंकि नहीं दफनाना था। जब जोधपुर के अंदर कन्हैया, उदयपुर के अंदर कन्हैया हत्याकांड होता है, तो एक घंटे के अंदर सर मुलजिमों का अरेस्ट कर लिया जाता है और 51 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान कर दिया जाता है, एक फर्स्ट क्वालिटी की नौकरी की, दूसरी बात फर्स्ट ट्रैक में वो केस चलाया जाता है। अब हमारे यहाँ जो ऐलान किया गया है 15 लाख रुपए सरकार की तरफ से, दूसरा यानी कि 4th डिग्री की नौकरी का ऐलान किया गया है, तीसरी बात यह है कि मुलजिमों के लिए फर्स्ट ट्रैक जो कोर्ट होती है उसका चलाने का कोई ऐलान नहीं किया। अब जो मैन मुलजिम हैं उनको गिरफ्तार होने की जो बात है, अभी तक मैन मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए, एक ही आदमी गिरफ्तार किया है, उसी को मीडिया दिखा रही है चला के सारा स्टाफ गिरफ्तार हो गया, 10 आदमी गिरफ्तार कर लिया। रिंकू, हम यही दिखा रहे हैं, अभी रिंकू ही गिरफ्तार। बिल्कुल, देखिए परिवार वालों का साफ तौर पर यहाँ पर कहना सुन भी रहे हैं कि जो भी कार्रवाई यहाँ सरकार की तरफ से भी की गई है, प्रशासन की तरफ से भी, उससे ये नाखुश है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान सामने आया है, झगड़े फसाद रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, हिंदू मुसलमान की मानसिकता छोड़े सरकार, ये कहते नजर आए शफीकुर रहमान बर्क। ईमानदारी से जांच कराए सरकार, शफीकुर रहमान बर्क ये कहते नजर आए हैं कि झगड़े फसाद रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, जो कुछ भी इस वक्त समाज में हो रहा है सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी गलत चीजों को रोका जाए। और समाजवादी पार्टी के सांसद है शफीकुर रहमान बर्क, जिनका बयान ये सामने आया है, हिंदू मुसलमान की मानसिकता छोड़े सरकार, सरकार को ये यहाँ पर नसीहत देते नजर आए हैं कि जो मानसिकता सरकार ने धारण इस वक्त की हुई है उसको छोड़ना चाहिए, हिंदू मुसलमान की मानसिकता को छोड़ करके जो झगड़े फसाद इस वक्त समाज में हो रहे हैं उस पर अंकुश लगाना सरकार की जिम्मेदारी है, रोकना चाहिए सरकार को और ईमानदारी से जांच कराए सरकार, यानी कि ये जो घटना घटी है उसकी ईमानदारी से सरकार जांच कराए, हिंदू मुसलमान की मानसिकता से ऊपर उठे सरकार। जुनेद और नासिर की हत्या किए, जला दिए उनके जिस्म को और मार दिए, उन्होंने विक्टिम के कजन ने ये भी कहा है मीडिया को कि जो किडनैपर्स हैं, जिनका नाम आया है 5-6 लोगों का, जिसमें एक शख्स का नाम आया है मोनू, मोनू, अब ये मोनू जो है ये हरियाणा की बीजेपी की सरकार का चहीता है, उसको हरियाणा की बीजेपी की सरकार अपना पूरा प्रोटेक्शन देती है। ओवैसी जो हिंदुओं के हत्यारे रजाकारों की परंपरा का वारिस है, वो ऐसे मामलों पर कूदेगा ही, क्योंकि उसको दूसरा जिन्ना बनना है, और उन्होंने तुरंत बिना जांच किए, बिना तथ्यों के सामने आए हिंदू संगठनों पर, हरियाणा सरकार पर अनर्गल आरोप लगाने शुरू कर दिए। ये तो बहरहाल इस तरह के चार्जेस लगाते रहते हैं, लेकिन ये इसको, इसका रुख इधर मोड़ना के मुसलमान इस काम को जानबूझकर करते हैं, ये गलत है। झगड़ा किसी बात का कहीं को हो सकता है तो अपने वहां के हालात के हिसाब से होगा, लेकिन मुसलमान न इसकी इजाजत देगा, न इस्लाम इजाजत देता है, न हम इसमें कोई उसके साथ, उसके कोई हमदर्दी नहीं हमारी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ये खबर सामने आ रही है नासिर जुनैद मौत से जुड़ी हुई है, जहां जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से परिवार यहां मिल चुका है। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए परिवार आज यहां पर पहुंचा हुआ था, सीएम गहलोत से परिवार वालों ने मुलाकात भी की, हालांकि अब तक सरकार की तरफ से भी जो भी कदम उठाए गए हैं उससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं परिवार वाले, और जो 15 लाख रुपए मुआवजा भी दिया गया उससे भी संतुष्ट नहीं है। आपको बता दें भरतपुर में जो ये घटना घटी उसको लेकर के जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, नासिर जुनैद मौत से जुड़ी हुई ये खबर, ये अपडेट कि जयपुर जाकर के मुख्यमंत्री गहलोत से परिवार मिला।